बारे में क्या कहना चाहोगे? हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल जो कि मेरा चैनल है। तो उस टाइम आपका एक्सपीरियंस क्या था, वहाँ पे कैसा लगा आपको? उस समय पहले तो डर लग रहा था। शेयर लाइक एंड कमेंट एट आयान अली व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट वार्मर वेदर, बट आफ्टर कमिंग टू लद्दाख आई फेल्ट इट वाज चैनल। तो कैसे आप सब, तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आप सबका चैनल पे टी हिल पे। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे, देखिए आप देख सकते हैं, विजिटर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन सब से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलेंगे, पूछेंगे कि कैसा लद्दाख का ट्रिप रहा। तो आप लोग बने रहे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एक बार फिर से, और आगे भी शेयर कर लेना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजिटर के पास। तो सबसे पहले हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो आपको आज स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप आए हैं लद्दाख ट्रिप पे, तो राइट नो हम हैं मैग्नेटिक हिल पे। तो अपने एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करें आप। सबसे पहले तो अपना नाम बोलिए। सॉरी, ओके। तो आई एम समृद्धि, मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट वार्मर वेदर, बट आफ्टर कमिंग टू लद्दाख आई फेल्ट इट वाज अ वेरी कोल्ड, स्पेशली पांगोंग एंड नुब्रा वैली। बट द माउंटेन्स सीनरी वाज वेरी अमेजिंग। तो ऑल ओवर लद्दाख का ट्रिप आपका कैसा रहा? हम गए थे नुब्रा वैली, फिर हम गए पेंगोंग, वहाँ पे ठंड एक्सपीरियंस आप कैसा रहा? ठंड आपने कभी इतना मतलब फेस नहीं किया होगा। तो हाँ, आई थिंक पेंगोंग में -15 टेम्परेचर था। तो ठंड कैसा रहा वहाँ पे, एक्सपीरियंस बताइए उसका। बहुत ज़्यादा कोल्ड था, लाइक आई हैव नेवर बीन इन लेस देन 10 डिग्रीज, बट दिस वाज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हाउ आई विल सर्वाइव इन दैट, बट फाइनली सर्वाइव। सो राइट नाउ वी आर इन मैग्नेटिक हिल, तो से समथिंग अबाउट मैग्नेटिक हिल। Magnetic Hill, it's actually a delusion. After seeing it properly, we were able to see that the road actually goes down rather than going up. Okay, thank you so much. Thank you. तो चलते हैं अभी, देखते हैं और एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। तो आप दोनों का मेरे चैनल पे स्वागत है, वेलकम करते हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, आयन अली के नाम से होगा। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं आप लोग। Okay. I am Trupti. तो अभी हम खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पे। तो हम गए नुब्रा वैली, इसके बाद हम गए पेंगोंग लेक, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने ठंड का भी फेस किया। आगे आके हम चांगला पास में थोड़ा बहुत स्टक भी हुए। तो वो सब का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ऑल ओवर? बहुत ठंड थी, इतना ठंड कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट फाइनली जिंदा वापस आया, इस बात की खुशी है हमें। बिल्कुल। तो लाइफ में मैंने तो पहली बार ऐसा हुआ कि 4 ब्लैंकेट लेके सोई, जस्ट बिकॉज -10 डिग्री से कम टेम्परेचर था। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा ठंड हो रखी थी वहाँ पे, तो टेम्परेचर -10 से -15 के बीच में था आई थिंक। हाँ। तो आपको कैसा लगा ठंड को महसूस करके, कैसा लगा और एक्सपीरियंस कैसा था ठंड का? जिंदा है काफी है अभी के लिए तो, बट पेंगोंग लेक कितना खूबसूरत है। बस आधे घंटे के लिए धूप आई थी। बिल्कुल राइट। उसके लिए तो अभी आगे भी विजिटर्स बहुत सारे आएंगे पेंगोंग लेक के लिए, तो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो कि खासकर आपकी जैसे मतलब प्लस टेम्परेचर से आते हैं, तो यहाँ पे आके उनका अब एक्सपीरियंस क्या रहेगा उनको? थोड़ा सा जून या जुलाई में आए ताकि ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। राइट। अगर इस टाइम पे आए तो उनको क्या क्या इक्विपमेंट साथ में लेने की जरूरत है? बहुत कपड़े लेके आओ, बहुत बुलंस लेके आओ, राइट, पानी पिए और आपके मेडिसिन साथ में कैरी करें। राइट राइट। तो अभी हम खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पे जो हम थे। हाँ, तो अभी राइट नो वी आर इन मैग्नेटिक हिल। तो आप मैग्नेटिक हिल के बारे में थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी तो हम जस्ट फोटो लेके हटे हैं। बिल्कुल। तो मजे कर रहे थे बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आते रहते हैं। राइट। तो आप लोगों ने आगे खरदोला में बर्फ भी देखा, तो ऑल ओवर फाइनल एक्सपीरियंस बताइए, फिर हम चलते हैं किसी और के पास। क्या बात है, क्या बताएंगी आप? फाइनल बताइए, जो लद्दाख में आपको सबसे बेस्ट लगा वो बताइए, वो मोमेंट जो एक होता है हर किसी के लाइफ में होता है, एक मोमेंट आता है। पहली बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, तो दोनों साइड रोड के दोनों साइड पे स्नो। राइट राइट। तो वो भी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, बट ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो फाइनल में यही कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल कर लीजिए, सब्सक्राइब थोड़ा, प्लीज डेफिनेटली सब्सक्राइब हिज चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पे अपना रिक्जिंग भाई है जो कि हमारे साथ ट्रिप में थे, और आली भाई भी थे अपने साथ ट्रिप में भी थे। तो चलते हैं अभी आगे और एक मैडम के पास। तो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? सो YouTube चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम यू टू माय YouTube चैनल। तो माय नेम इज आयन अली, एज यू नो, सो आई हैव ए चैनल ऑन YouTube। तो राइट नो वी आर मैग्नेटिक हिल। तो आप लोग
अभी हम लद्दाख आए थे आप लोग, तो हम नुब्रा गए, तो आप तो वैसे गए नहीं थे, आप गए थे नुब्रा वैली, नुब्रा आए थे, सॉरी पेंगोंग नहीं आए थे, आप आए थे नुब्रा वैली। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं चैनल पे आपका, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रश्मि अभिषेकी। बिल्कुल, आपका नाम? मरिया डी सिल्वा। तो रश्मि जी, आप सबसे पहले नुब्रा हम गए, फिर पेंगोंग गए, तो बीच में हम चंगला पास में थोड़ा बहुत स्टक भी हुए, हाँ। तो स्नो की वजह से, हाँ जी। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वो बताइए। पहले तो नुब्रा वैली, वो वैली में रहने का जो ये था अनुभव था, वो बहुत ही प्यारा था। बिल्कुल। और पेंगोंग जो तालाब है वो तो मैं तो एकदम फिदा हो गई। बिल्कुल। और आपने जी हमारे इतने फोटो खींचे, आपने इतना हमसे घुल मिल गए आप, तो वो तो बहुत ही प्यारा था। और मैं यहाँ आने से पहले दिन से देख रही हूँ, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा बर्ताव है, राइट, इतने उनकी, तो लद्दाखी पीपल उसी के लिए माने जाते हैं, वो लोग हर किसी के साथ फ्रेंडली रहते हैं, हाँ। और किसी को अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कराते हैं, हाँ। तो ऑल ओवर आपने माइनस टेम्परेचर आई थिंक फेस नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो पेंगोंग में अपना माइनस 15 गए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो एक बार फिर से आपका नाम, सॉरी, मरिया डी सिल्वा। तो मरिया डी सिल्वा जी, आप डी सिल्वा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे जो कि आयन अली व्लॉग्स के नाम से, तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे मेरे चैनल को पक्का। तो अभी हम खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पे, तो आप नुब्रा गए थे, तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें हमारे साथ में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नुब्रा जाते समय जो अल्टीट्यूड पे मुझे सिकनेस हो गया, बिल्कुल, वो सिकनेस होने के बावजूद व्हाट आई फेल्ट इज दैट एवरीबॉडी केम एंड आस्क्ड मी, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना, और इतना केयर, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इतना केयर ले लेंगे, right. वो केयर से मुझे हिम्मत आ गई वहाँ पहुँचने के पास, मैंने क्रॉस किया, मेरे बच्चे इतने खुश थे, उससे भी अच्छा मुझे आर्मी पीपल जो मिले वो भी मुझे बोलने लगे, मैम आप ठीक हो ना, मैम आपको ये जगह जल्दी जाना चाहिए नीचे, right. और आर्मी पीपल को मैंने स्पेशली हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर्स ऑफ लेह लद्दाख, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दे आर द वंस व्हिच आर यूथ इन द सिटीज शुड टेक एन एग्जांपल फ्रॉम, दे आर द यूथ इन द सिटीज आर लिविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, प्लीज कम एंड सी दिस लाइफ, राइट, इफ यू सी दिस यू विल नो व्हाट इज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, तो मिलते हैं आगे, तो अब लोग एंजॉय करिए, अभी चलते हैं किसी और के साथ, थैंक यू सो मच, चैनल का नाम देना सब्सक्रिप्शन, राइट राइट राइट, आयन अली व्लॉग्स। तो अभी हमारे साथ में अपना सर भी है, तो हेलो सर, तो वेलकम करते हैं आपको मेरे चैनल पे जो कि आयन अली व्लॉग्स के नाम से। ओके। तो हम गए नुब्रा वैली, फिर हम पेंगोंग गए, तो थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दोनों। तो सबसे पहले सॉरी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम, तो हमारा सर जो है हमारा टूर मैनेजर है, जो कि ऑल ओवर टूर मैनेज करते हैं, जितने सारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सब यही मैनेज करते हैं, तो सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए सर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, नुब्रा वैली पेंगोंग लेक ये दोनों भी बहुत बढ़िया प्लेस है, अगर आपने लेह लद्दाख कभी विजिट नहीं किया तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि एक बार लाइफ में लेह लद्दाख विजिट कीजिए। बिल्कुल। और पेंगोंग, नुब्रा एंड कारगिल ये तीनों भी डेस्टिनेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो एक बार विजिट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, सो वेलकम टू द चैनल, तो आयन अली व्लॉग्स के चैनल पे आपको स्वागत है। थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना। अनीता। नेहा देशमुख। तो हम अभी खड़े हैं मैग्नेटिक हिल पे, तो हम सबसे पहले गए नुब्रा वैली, फिर हम गए थे पेंगोंग लेक, तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, स्वर्ग है लेह लद्दाख, मतलब स्वर्ग है, यहाँ पर आना मतलब एक एडवेंचर है, right. और सबने ये करना ही चाहिए। तो आपने आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस है, माइनस टेम्परेचर कभी फेस नहीं किया होगा, तो पेंगोंग में थोड़ा बहुत हमने माइनस भी फेस किया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल जो कि मेरा चैनल है आयन अली व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब पे। थैंक यू। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज प्रेमा। माय नेम इज अनीता। माय नेम इज गायत्री। थोड़ा इधर खड़े हैं लेह लद्दाख मैग्नेटिक हिल पे। तो हम गए थे नुब्रा वैली, इसके बाद हम गए पेंगोंग लेक, तो ऑल ओवर आपने तो सॉरी मिस किया था ट्रिप अपना, तो आप दोनों गए थे हमारे साथ में, तो अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, इट वाज एन हेवन,
बट हम लोग को आदत नहीं है ठंडी की, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें हुआ। तो मैंने पेंगो में हमने माइनस टेम्परेचर फेस किया और चंगला में हम 4.5 घंटा स्टक भी हुए। हाँ, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत कही है। अपना एक एक्सपीरियंस है लाइफ में, राइट, इजंट इट? थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू। ऑल ओवर लद्दाख कैसा लगा? और जहाँ अच्छा, आगे भी जितने भी यहाँ पे विजिटर आएंगे उनका आपको क्या मैसेज रहेगा? वंस इन अ लाइफ टाइम डू कम। चलो भाई चलते हैं आपके पास। तो अपना नाम बताइए पहले, फिर एक बार फिर से। मेरा नाम गायत्री है। तो अभी हम खड़े मैग्नेटिक हिल पे, हम गए नुब्रा वैली, पेंगोंग भी गए, तो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे ट्रिप का? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मौसम में आते हैं तो स्नो भी देखने को मिलता है, कभी सन आता है तो वो डिफरेंट शेड्स भी देखने को मिलते हैं, पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। हमने कभी कभी माइनस टेम्परेचर फेस किया था अभी तक में? हाँ, फेस किया था, पर इतना माइनस विदाउट प्रॉपर क्लोथ्स वगैरह, थर्मल क्लोथ्स, राइट, फर्स्ट टाइम फेस किया और अच्छा एंजॉय किया वैसे। तो आगे भी लद्दाख में बहुत सारे विजिटर्स आएंगे तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपके थ्रू? यू कैन कम इन दिस सीजन बट ओनली थिंग इज कम विद प्रॉपर क्लोथ्स, वूलन वेयर्स एंड ऑल। ऑल लद्दाख का ट्रिप कैसा रहा आपके हिसाब से? बहुत अच्छा है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। पहुंचे संगम वैली। तो अभी हमारे टोटल ग्रुप में 2-3 बचे हैं, तो उनको भी हम पकड़ के थोड़ा उनसे भी अपना वो हम करेंगे। तो आई थिंक, मुझे लगता है आप नहीं आए मेरे चैनल पे, आए? हाँ, नहीं, तो सबसे पहले वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे, जो कि आयन अली व्लॉग्स के नाम से, सब्सक्राइब भी कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योत्सना जाजू हराड़िया और मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी हम खड़े हैं संगम लेक पे। तो हम मैग्नेटिक हिल इससे पहले गए, तो हम नुब्रा गए, पेंगोंग गए, ऑल ओवर लद्दाख के टूर का अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लद्दाख एक अलग ही हेवन है। थैंक यू। कश्मीर एक अलग जगह है और कश्मीर से लद्दाख एक पूरा डिफरेंट है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो हम हाई एल्टीट्यूड पे भी गए, हमने बर्फ भी देखा, ठंड भी हमने काफ़ी देखा जाए तो हम लोगों ने फेस किया। 2-2 मिनट में क्लाइमेट चेंज देखते हैं। अभी आपने देखा होगा मैग्नेटिक हिल पे थोड़ा सा सन था और हम थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे आगे तो यहाँ स्नोफॉल होने लग गया है। और ऑल ओवर एकदम एडवेंचरस ट्रिप है, जिसको एडवेंचर पसंद है उन्होंने ये ट्रिप तो आपको जरूर आना ये चाहिए। क्या कहते हैं, ये हमारा नुब्रा वैली कैसा लगा? नुब्रा वैली एकदम प्लेजेंट जगह है, जहाँ पे आपको हाँ, एक शांति और सुकून महसूस होगा। नेचर के बीच में वैली के अंदर आप एक दिन टेंट में निकालोगे तो बहुत सुकून महसूस होगा। जाते हुए हम एकदम जो 17,000 फीट ऊपर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। बस वहाँ से पेंगोंग में बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगी। हाँ, पेंगोंग के बारे में पूछने ही वाला था, वहाँ पे माइनस टेम्परेचर गए तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है माइनस टेम्परेचर तो आपने कभी फेस नहीं किया होगा। हमने तो कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका? बहुत ही मीन्स हमें पहले डर लगने लग गया था कि अब हम जी पाएंगे कि नहीं, इतना -18 तक गए हम। लेकिन वहाँ पे जो कॉटेजेस थे वो बहुत अच्छे से थे और हम वहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय किया। आते हुए हम चांगला पास में 4 घंटे के लिए फंस गए। उस टाइम कैसा रहा, आप क्या सोच रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था? मन में डर लगने लगा, हमने भगवान को याद किया। 4 घंटे हम वहाँ पे थे। तो आपका ऑल ओवर ट्रिप में जो एक अपना रहता है बेस्ट मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कौन सा था आपका बेस्ट मोमेंट? था हमारा कि हम जब इसमें गए ना पेंगोंग लेक में, वहाँ जाके हमने वो लेक देखा और लेक व्यू देखा तो बहुत अच्छा लगा। पे जो जितने भी विजिटर्स रहेंगे आएंगे उनका आपके थ्रू क्या मैसेज रहेगा?